पाटन विधानसभा आरएलपी के प्रत्याशी आनंदी राम खटी के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल व भीमसेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण दोनों हेलीकॉप्टर लेकर 5:20 पर शनि महाराज आली गांव में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जहां पर आरएलपी के प्रत्याशी आनंदी राम खटीक, आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, भीमसेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को खुली कार में बिठाकर लाया गया, जहां कपासन विधानसभा के आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बिठाकर मंच लेके स्वागत किया और कपासन विधानसभा के आरएलपी के प्रत्याशी के लिए दोनों नेताओं ने यहां की जनता से वादा किया कि 25 नवम्बर को आरएलपी के प्रत्याशी के वोट व समर्थन देने की अपील की। कहा कि जब तक बनास का पानी कपासन विधानसभा में जब तक लेकर नहीं आऊंगा, जब तक जूते नहीं पहनूंगा। साथ ही कपासन विधानसभा में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार का युवा लेकर कहा है कि बेरोजगारों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, ये समस्या यहीं सॉल्व करने का प्रयास करें। और 8/29 में फर्जी तरीके से पुलिस आरोपी बनती है, उसके लिए भी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कानून में संशोधन करवा कर रहेंगे और कपासन की जनता से 25 नवंबर को आनंदी के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा, तब तक मैंने जूते और चप्पलें त्याग कर नंगे पैर रहने का फैसला कर रखा है। और आज यहाँ का युवा आरएलपीएसपी का पूरा परिवार, सम्मानित पंच उपस्थित मौजूद बुजुर्ग नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर हमारी कमी रह गई थी, उसका शिकार आनंदी राम जी हो गए थे। उस वक्त हमें मजबूत रहना है। अरे भाई तुम इधर देखो, मैं इधर देखो, सर भाइयों हमें उस दिन का इंतजार करना है। आप लोग क्या करते हो, दोस्त में जल्दी आ जाते हो और दोस्त में होश खो देते हो। हमने ये अलायंस किया और अलायंस इसलिए किया, हम दोनों लड़ाके हैं, जहां भी अन्याय होता है लड़ते हैं, लेकिन इसलिए कि ये जो शक्ति है, जो बटी हुई शक्ति है, इसको इकट्ठा किया जाए। और वास्तव में अगर राजस्थान का भला करना है तो भले का दृष्टिकोण रख के भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से यहाँ के लोगों को आजाद करा के होगा। 5 तारीख के बाद आपकी वो समस्या है, 6 महीने के अंदर क्या तो हम लोग खत्म करा देंगे या फिर आपके लिए तब तक संघर्ष करेंगे जब तक वो समस्याएं खत्म ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।